अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। तो बच्चों, जो मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस है, पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें द मेन आइडिया इज दैट टोटल मोमेंटम रिमेन्स सेम व्हेन मोमेंटम चेंजेस अकर ड्यू टू एक्सप्लोसिव फोर्सेस विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब जो एक्सप्लोजिव फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका मोमेंटम जो है सेम रहता है, लेकिन कंडीशन यह है कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। हम ये कंसिडर करें कि बाहर से कोई फोर्स उन पर एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, अब उसकी एग्जाम्पल जो है इस चीज़ की, एक्सप्लोजिव फोर्सेस, मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस की टू एग्जाम्पल्स वो यहाँ दे रहा है। एक है एक्सप्लोजन ऑफ ए शेल और बॉम्ब। जब एक शेल और बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड होता है, ठीक है, हम बॉम्ब कह लेते हैं जो आपकी बुक में है, जब एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो वो टू फर्ज करें वो तो बहुत सारे पीसेस में होता है ना, और बहुत सारे पीसेस में होगा, लेकिन यहाँ वो शो कर रहा है तो फर्ज करें कि वो दो पीसेस में होता है। तो बॉम्ब के पीसेस जिनमें वो एक्सप्लोड होता है उनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में उन्हें फ्रेगमेंट्स कह रहा है। तो अब जैसे ये एक बॉम्ब है, ठीक है, ये एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, एक बॉम्ब का ओरिजिनल मोमेंटम जो है वो एम वी है, जब वो एक्सप्लोड हुआ तो उसके पीसेस इधर उधर जाते हैं, फर्ज करें ये दो पीसेस हैं, तो इन पीसेस का भी अपना अपना कुछ मोमेंटम है। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर इन फ्रेगमेंट्स को, ये एक है ये दो है, अगर इस दो वाली को इसमें एक वाली में बाय हेड टू टेल रूल जमा करें तो हमारे पास ये आएगा। और इन एन आइसोलेटेड सिस्टम दिस मोमेंटम जो हमने इन फ्रेगमेंट्स को बाय हेड टू टेल रूल जमा करके लिया है वेक्टर एडिशन से, दिस विल बी सेम जो एक्सप्लोजिव फोर्स का मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको बता रही है कि मोमेंटम चेंजेस अकर ड्यू टू एक्सप्लोजिव फोर्सेस विद एन आइसोलेटेड सिस्टम। जब मोमेंटम चेंजेस अकर करती हैं आइसोलेटेड सिस्टम में तो टोटल मोमेंटम रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक हो क्या? ये तो एक एग्जाम्पल है, अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल जो है वो फायरिंग फ्रॉम ए राइफल है, फायरिंग ऑफ ए राइफल है। अब फर्ज कर लें आपने कभी राइफल से फायर होते देखा है, तो राइफल को हमेशा कंधे पे रखा होता है, और जब फायर होता है गोली बुलेट आगे की तरफ जाती है तो जो राइफल चला रहा होता है उसे थोड़ा सा झटका कंधे पीछे की तरफ लगता है कंधे को। ठीक है, ये चीज अब पहले हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के। तो चले फर्ज करें तो राइफल का जो बुलेट का मास स्मॉल एम है, बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल वी है, राइफल का मास जो है वो कैपिटल एम है। ठीक है, अब सिस्टम किस किस पे कंसिस्ट कर रहा है, राइफल पे और बुलेट पे। तो जब फायरिंग नहीं हुई है, बुलेट फायर नहीं हुआ है, तो राइफल भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है, राइफल की वेलोसिटी भी जीरो है और बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ द बुलेट बिफोर कुलियन पे आ जाएगा जीरो, एम वी वी जीरो है, स्मॉल एम इंटू वी जीरो, और मोमेंटम ऑफ द राइफल बिफोर कुलियन पे आ जाएगा, वो भी रेस्ट में है तो वो भी जीरो है। ठीक है, अब बुलेट फायर हो गया। ठीक है, आप फर्ज करें कि जब बुलेट फायर हुआ तो जो है वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी जो है वो वी है। ठीक है, और जो राइफल बैक हुई, रिकॉइल हुई, ठीक है, उसने कंधे को झटका दिया, रिकॉइल वो पीछे को हटी, तो उसने वी डैश वेलोसिटी के साथ दिया। ठीक है, तो अब जब बुलेट फायर हुआ है तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा, एम वी मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस कैपिटल एम मास ऑफ द रॉकेट, वी डैश वेलोसिटी ऑफ द राइफल when it takes recoil, जब ये पीछे को आती है। तो total momentum इस system का after कुलियन क्या हो गया, mv plus mv dash, और before कुल, अब इस पे जब हम law of conservation of momentum apply करेंगे
मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कुलियन. तो बिफोर कुलियन कितना था? जीरो. और आफ्टर कुलियन क्या हुआ? स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी प्लस कैपिटल एम इंटू वी डैश. ठीक है, तो अगर इसमें से हम एम वी डैश अलहदा निकालें तो डेट इज इक्वल टू माइनस एम इंटू वी. ठीक है, जो कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है. ठीक है, और इसमें से फिर हम वी डैश निकाल सकते हैं. वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये आ जाएगी वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम. ठीक है, विच इज द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द राइफल. ठीक है, नाउ ही इज सेइंग सिंस मास ऑफ द राइफल इज वेरी मच ग्रेटर सो द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द राइफल इज स्मॉल. वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द राइफल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द राइफल. जब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगी. ठीक है, यही वजह है बुलेट तो बहुत तेज वेलोसिटी के साथ आगे जाता है ना, लेकिन जो राइफल है वो बस कंधे को पीछे की तरफ एक झटका देती है, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज नहीं होती. ठीक है, वी डैश जो है वो कम होती है एज वी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द राइफल. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़.